कि वो पार्लियामेंट के उस प्रोविजन के नीचे आए, इनकी मणिपुर गवर्नमेंट में भी बहुत सारी बातें हुई है, जम्मू कश्मीर के स्टेटस की बात हुई। बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो, अल्लाह करे कि ऐसी चीज आए। और बोलिए, खुदाई हो बहुत जो। और क्या है, थोड़ा सा देखते हैं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, मुबारक। और क्या चाहिए आपको, खत्म आपकी बात नहीं। उसमें बहुत सारे इंटरव्यू ये है कि जो प्रोब एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट के सुपरविजन में आएंगे, आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लगा रहे कि वो आए। और मुबारक हो, चलिए आप बहुत हो, चलो के बारे में अभी एक सेकंड, अमित शाह से पूछ। सर, दूरदर्शन का जिस तरह से बता रहे हैं कि इस्तेमाल किया जाए, केरला अंदर बैठ हिमाचल और कांग्रेस के बीच में बताया जाता है कि गठजोड़ हुआ है। पहले तो मैं सभी को जुमतुल विदा की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे कल जो शब है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे यहाँ रियासत में अमन अमान हो, आगे आगे जो ईद हो खुशियों की ईद हो। और मेरा लोगों से इल्तिमास है कि सादगी से ये ईद मनाएं, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, समझते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। दुआ करिए उनके कामयाबी के लिए भी, दुआ करिए। मैं आज यहाँ पे आया था, हमने भी दुआ की, अल्लाह करे कि एक नई सियासत जो हमने शुरू की है, अल्लाह हमें उसमें कामयाबी दे। देखिए, हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बटे नहीं, एक अलायंस हो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हर एक अपनी दो दो ईंट की मस्जिद बनाना चाहता है, इसलिए कोई अलायंस नहीं हो सकता। ये बहुत ही मैं क्या कहता हूँ, शर्म की बात है इस सरकार के लिए जो कहती है कि अमन अमान ठीक है, और जो हम सब भी